हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम बनाएंगे दाल की सब्ज़ी, वो भी अरहर की दाल की। आपने चने की दाल की और मूंग की दाल की सब्ज़ी काफ़ी बार खाई होगी, और आज हम बनाएंगे नई तरीके से बिल्कुल अरहर की दाल की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने अरहर की दाल को भिगो लिया है, ओवरनाइट भिगो दिया था। वैसे 3 से 4 घंटों में दाल अच्छे से हो जाती है, मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। ये देखिए, ये मैंने दाल भिगोई है। इसमें से मैं केवल 1 कप दाल का यूज करूंगी। ये मैंने दाल इतनी भिगो ली है, लेकिन इसमें से केवल 1 कप दाल की ही सब्ज़ी मैं भी बनाऊंगी। देखिए, ओवरनाइट भीगने के बाद में दाल बिल्कुल वैसी ही हो गई है, एकदम गलने वाली जैसी स्थिति में हो गई है। बिल्कुल सही है दाल। और बस इसको अब हम 1 कप दाल को, ये देखो, इसमें डालकर पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर में मैंने डाल ली है। ये देखिए, और थोड़ी सी और डाल लूँगी मैं। ये आधा आधा कप है, इसलिए 2 बार में मैं ले रही हूँ ये 1 कप दाल। ये देखो, 1 कप दाल की सब्ज़ी अभी केवल बनाएंगे हम। और बस इसमें अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा डालेंगे अभी। ये देखिए, अदरक डाल लेंगे थोड़ी सी, और 1 हरी मिर्च बस। अब इसको हम, इसमें ज़रा सा नमक डाल लिया है मैंने, आधी चम्मच से भी कम। और बस इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से ये ग्राइंड हो चुकी है। ये देखिए, अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। बस अब इसकी हम तैयारी करेंगे आगे के लिए। देखिए प्रोसेस क्या करना है, और इसको हम अलग रखेंगे। और जब तक इधर गैस पर हम एक कढ़ाई में पानी रख देंगे। ये देखिए, एक कढ़ाई में हम पानी रख देंगे थोड़ा सा। इसमें बीच में एक स्टैंड रख देंगे, या कोई अगर स्टैंड नहीं है आप पर तो कटोरी कोई उल्टी करके रख देंगे। और जब तक एक थाली में हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करके अच्छे से पूरे में रख लेते हैं। और फिर इसमें हम, जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है, और बस इस थाली में हम जो हमने पेस्ट बनाया था दाल का, वो डाल देंगे अच्छे से और फैला देंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से चम्मच की सहायता से इसको पूरे में हम एक सा फैला देंगे, बिल्कुल एक सा कर देंगे। जब तक मेरे चैनल पर अभी जो भी नया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। और आप बनाकर देखें, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। अगर हो सके तो आगे शेयर भी कर दें। ये देखिए, इस तरीके से हमने पूरा फैला लिया है इसको, और बस इसको अब कढ़ाई में हम रख देंगे। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है, और बस इसी समय हम इसको अंदर इसमें रख देंगे। और बस इसको अब ऊपर से थाली से, किसी से हम लिड से या थाली से ऊपर से इसको हम और ढक देंगे, जिससे ये स्टीम से हमारी दाल तैयार हो जाएगी अच्छे से। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। ये देखिए, करीब 10 से 12 मिनट के बाद मैंने ये देख रही हूँ इसको चाकू से। चाकू हमारा बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारा हो चुका है। ये देखिए, चाकू बिल्कुल साफ़ है। तब भी मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ अभी, फिर इसको हम गैस को बंद कर देंगे, और फिर उसके ज़रा देर बाद हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद नीचे उतारेंगे। और इसको जब तक चाहें तो आप पंखे में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं निकाल लेती हूँ इसको, ठंडा होने देती हूँ थोड़ी देर, और फिर उसके बाद ही इसके प्रोसेस आगे का करेंगे। ये देखिए, ठंडा होने लगा है। अब इसके पीस कट करने के लिए तैयार, पीसेस कट करेंगे। आप जैसे चाहें वैसे कर लें। मैं इसको देखो चौकोर काटूंगी। ये देखिए, मैं इस तरीके से बर्फ़ी नुमा काट रही हूँ। आप जिस तरीके से चाहें इसको शेप दे लें, और बस इसमें कट लगा लें इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट पीसेस इसके निकलेंगे। देखिए, इस तरीके से मैं चाकू से इसको अलग अलग पीस पहले कर लेती हूँ आपके सामने, बिल्कुल दिखा रही हूँ मैं सारी चीज़ें। ये देखिए, अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी फ्राई करके चटनी से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए, लेकिन मैं इसकी आपको सब्ज़ी बनाकर दिखा रही हूँ अभी। ये देखिए, बहुत अच्छे पीसेस बने हैं। ये देखिए, कितनी जाली है इसके बीच में। ये देखिए, हमने इसमें जबकि सोडा और वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, केवल दाल को पीस कर इसमें
और हमने इसी तरीके से इसको केवल रख दिया। ये देखिए बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से फ्राई करके और चटनी से भी खा सकते हैं। और बस ये पीसेज हमारे अब अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इसके लिए अब हम थोड़ा सा मसाला तैयार करते हैं। प्याज, दो तीन टमाटर लिए मैंने, दो चार काली मिर्च, एक इलायची, एक लौंग और एक बड़ी वाली इलायची, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी अदरक और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। छोटी हैं इसलिए 7 से 8 ली हैं, बड़ी हों तो आप 4 से 5 ले लें। बस इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसको उबालने के लिए अच्छे से रख देंगे। अभी इसमें पानी डाल के थोड़ा सा बस इसको गैस पे ढककर अभी उबालने के लिए हम रख देंगे। जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी, देखिए अच्छे से जब ये गल जाएंगी तब इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे मसाले का सब्जी के लिए। ये देखिए थोड़ा सा और अभी होने के लिए कसर है और हो गई है। अब उसको हमने ठंडा कर लिया है और उसमें से मैंने आपको दिखाया नहीं वीडियो में, थोड़ा सा बड़ी इलायची और दालचीनी मैंने उसमें से हटा दी थी और बस बाकी सबका मैंने पेस्ट बना लिया है। और बस इसको अब हम पेस्ट को, ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, फ्राई पैन में, जिसमें आप बनाना चाहें कर लें। ये देखिए इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, करीब 1 चम्मच के लगभग मैंने तेल डाला है ये। और तेल गर्म होने के बाद इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था मसाले का वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम चलाएंगे। अभी ये देखें ये पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा पानी और उसका धोकर हम ग्राइंडर का पानी थोड़ा सा और डाल देंगे धोकर इस तरीके से बस। और इस मसाले को अब हम अच्छे से भुनेंगे, तैयार करेंगे भूनकर। ये देखिए इसको हम चमचे से अब चलाकर थोड़ा सा अच्छे से मिलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे। हाई मीडियम आंच पर ही इसको भूनना है। ये देखिए इसको अच्छे से होने देंगे मसाले को। इसमें हम थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, मिर्च मैंने आधी चम्मच इसमें मिर्च डाली है, आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक। नमक अपना स्वाद अनुसार आप इसमें डाल लें, नमक तो अपने टेस्ट अनुसार ही इसमें डाल लें। और धनिया आधा चम्मच ही धनिया डाला है मैंने इसमें। और इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालूंगी मैं, ये देखिए 1 चम्मच के लगभग मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है, जिससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा। और बस इसको अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। इसको हम भून लेंगे, थोड़ा देर ढक देती हूँ, इसमें छींट आ रही है मसाले में काफ़ी, इसलिए इसको हम ढक के थोड़ा सा पकाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको खोल के फिर चलाती हूँ। ये देखिए इसमें ऊपर छींटें आती हैं इसलिए इसको ढककर ही पका लेते हैं मसाले को, थोड़ा इसको पकने देते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा मसाला पकने लगा है, थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने लगा है। अब इसको और अच्छे से भुन जाने देंगे, तब हम इसमें वो जो पीसेस हमने काटे थे दाल के वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मसाले को फ्राई होने दीजिए, फिर इसमें हम पीसेस डालेंगे। मसाला हमारा फ्राई होने ही वाला है, बस अच्छे से देखिए इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे ये मसाला लगे नहीं। और बस इसमें जो पीस काटे थे हमने वो इसमें डाल देंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल छोड़ने लगा है, सारे पीस इसमें डाल देंगे। सारे पीस डालने के बाद मसाले में अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद ही इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आप इसको सूखा खाना चाहते हैं तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको थोड़ा रसी का बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और बस आधा गिलास के लगभग इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से चला देंगे और फिर इसको थोड़ा सा खोलने देंगे। देखिए इसको अच्छे से चलाकर इस तरीके से मिलाते रहेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और बस इसको अब हम अच्छे से खोलने देंगे, जब ये खोल जाएगी सब्जी तभी इसको हम, इसको थोड़ा सा ढक देते हैं अभी तो अच्छे से हो जाएगी। देखिए थोड़ा देर ढक रहे हैं इसको हम, और बस इसको थोड़ा खोलने के बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है और इसमें थोड़ा सा, ये देखिए हरा धनिया इसमें ऊपर से डाल देती हूँ मैं। आप हरा धनिया अपने टेस्ट अनुसार डाल दें, जैसा आप पसंद करते हैं।
हमारे यहाँ इसमें कम पसंद है, तो मैंने इसमें कम धनिया इस्तेमाल किया है और बस इसको बाउल में हम निकाल लेते हैं। टेस्टी सब्ज़ी इसकी बहुत तैयार है, ये देखिए बिल्कुल पनीर की ऐसी सब्ज़ी है। आप इसके आगे पनीर भी फेल हो जाएगा जब आप इसको बनाकर देखेंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझको बताइए कि कैसा लगा है। ये देखिए ऊपर से गार्निशिंग थोड़ी सी कर देते हैं धनिया की, और बस हमारी टेस्टी सब्ज़ी अरहर की दाल की सब्ज़ी तैयार है। बस इसको बनाकर फिर मुझे बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि टेस्टी सब्ज़ी आपको कैसी लगी। हमारे यहाँ तो बहुत पसंद आई सबको, और आप बताइएगा कि ये सब्ज़ी कैसी लगी। मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।